नमस्कार। आज की वीडियो में हम त्यागपत्र उपन्यास की बात करेंगे। त्यागपत्र उपन्यास जैनेन्द्र के द्वारा रचित है। यह उनका तीसरा उपन्यास है। इसका प्रकाशन 1937 ईस्वी में हुआ। इसका अनुवाद अनेक प्रादेशिक और विदेशी भाषाओं में हो चुका है। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ लघु उपन्यासों में शामिल त्यागपत्र की नायिका मृणाल एक भाग्यहीना युवती है। मृणाल के जीवन पर ही यह उपन्यास आधारित है, जिसकी वजह से इसकी कथा मार्मिक और प्रभावशाली बन। उपन्यास के प्रमुख पात्रों में मृणाल और उसका भतीजा प्रमोद शामिल हैं। इसके साथ ही मृणाल की सहेली शीला और उसका भाई, जिसे मृणाल प्रेम करने लगती है, मृणाल के बड़े भाई और उसकी कठोर भाभी, ये सभी उपन्यास के पात्र हैं। त्यागपत्र उपन्यास की कथा वस्तु की अगर हम बात करें तो इसमें मृणाल के अभिशप्त जीवन की कथा कही गई है। मृणाल के माता पिता का देहांत हो चुका है। उसका संरक्षण उनके बड़े भाई की देखरेख में होता है। उसकी भाभी का उस पर कठोर नियंत्रण है। प्रमोद मृणाल से 5 साल छोटा भतीजा है। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान मृणाल अपनी सहेली शीला के भाई से प्रेम करने लगती है। इस प्रेम संबंध का खुलासा होने पर उसकी भाभी उसे बुरी तरह पीटती है और जल्दी ही मृणाल का विवाह एक अधेड़ व्यक्ति से कर दिया जाता है। पति के प्रति सत्यनिष्ठा रखते हुए मृणाल अपने पूर्व प्रेम संबंध के बारे में बता देती है। ये सुनकर उसका पति उसको घर से बाहर निकाल देता है। इसके बाद एक कोयला व्यापारी उस पर अनुरक्त होकर उसे अपने घर ले जाता है। वासना की पूर्ति होने के बाद वह भी मृणाल को छोड़ देता है। मृणाल अस्पताल में एक बच्ची को जन्म देती है जो 10 महीने के बाद ही मर जाती है। इसके बाद मृणाल समाज के सबसे निम्नतम स्तर के लोगों के बीच पहुंच जाती है और एक घातक बीमारी से पीड़ित होकर कष्टमय जीवन व्यतीत करती है। मृणाल का भतीजा उसे घर लेने के लिए आता है, लेकिन वो मना कर देती। अंततः अत्यधिक पीड़ा से मृणाल की मृत्यु हो जाती है। इस घटना का प्रमोद को इतना गहरा आघात लगता है कि वह जज के पद से त्याग पत्र देकर विरक्त हो जाता है। मृणाल का भतीजा प्रमोद अपनी बुआ की पीड़ा को समझता है। वह अपने सर्वस्व की बाजी लगाकर भी बुआ के दुर्भाग्य पर विजय प्राप्त करना चाहता है, लेकिन मृणाल सदैव ही उसकी कृपा को अस्वीकृत कर देती है। वह खुद कभी इसके लिए जोर नहीं दे पाता है, क्योंकि वह दुविधा में पड़ा रहता है। उसके हृदय के किसी कोने में दबी स्वार्थ वृत्ति भी उसे पीछे खींचती है। जीवन भर वह अपने आप को मृणाल की ओर से बुलावे में रखने में सफल होता है, परंतु मृणाल की अंतिम अवस्था उसे आंदोलित कर देती है, विचलित कर देती है। जैनेन्द्र के बाकी उपन्यासों की तरह त्यागपत्र उपन्यास भी मनोवैज्ञानिक है। इसमें मृणाल की सूक्ष्म चारित्रिक प्रतिक्रियाओं, विवश इच्छाओं, दमित स्वप्नों और मनोविकारों को दर्शाया गया है। उपन्यास सामाजिक व्यवस्था की अमानवीयता को उजागर करता है। स्त्री के आत्मदान में ही उसकी मुक्ति के दर्शन को इस उपन्यास में जैनेन्द्र ने प्रतिपादित किया है। संक्षेप में यही जैनेन्द्र कुमार के उपन्यास त्यागपत्र का सारांश है। अब हम जैनेन्द्र के अन्य उपन्यासों की बात करेंगे। जैनेन्द्र ने मनोविज्ञान से जुड़े अनेक उपन्यास लिखे हैं, जिनमें हैं परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध, अनंतर, अनाम स्वामी और दसार्क। उनके ये 12 उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं। इन सभी उपन्यासों में जैनेन्द्र ने काम पीड़ा का दर्शन स्वीकार किया है। जैनेन्द्र के उपन्यास त्यागपत्र को RPSC के नए सिलेबस में शामिल किया गया है। RPSC से जुड़े वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।